मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के तीन राज्य या फिर यूं कहें कि देश के बिहार यूपी समेत देश भर में एक राजनीति का वो चेहरा शरद यादव, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके अंतिम जो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां जो उनकी पैतृक गांव है, ये तस्वीर देखिए जहां पर उनका अंतिम संस्कार यहां पर इस तरह से किया गया। और ये जो खलियान है, जो पैतृक गांव जो है आखमाऊ, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है जहाँ पर वो उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1947 को, और अब उनको यहाँ पर उसी खलियान जहाँ पर वो बचपन में अपना वक्त बिताया और अक्सर यहाँ आते थे, और जब उन्होंने तब भी यहाँ पर इसी खलियान में जगह पर वो टहलते थे और उसी जगह को उन्होंने कहा था कि जब उनके भले उनके अंतिम सांस किसी दूसरी जगह पर निकले लेकिन उनके अंतिम जो संस्कार वो इसी जगह होना चाहिए। ये देखिए तमाम जो परिवार के लोग हैं उनकी आंखें नम हैं और अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। ये वो पल है जब यहाँ आप देख सकते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर उनके जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। उन परिवारों को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इस दौर में जहाँ प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री वो यहाँ पर पहुँचे थे और इसके बाद फिर यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो हैं उनके परिवार से मिलते नज़र आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह खुद यहाँ पर उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं यहाँ पर। और ऐसा पल ऐसे नेता का जिनका क्योंकि मध्य प्रदेश में रहते ही उनकी राजनीतिक का जो शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश में राजनीति की शुरुआत की थी और यहीं से जब पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग की थी जबलपुर में, तब पहला चुनाव भी जब लड़ा था शरद यादव ने वो उस वक्त लड़ा था जब इसके बाद 2 चुनाव भी जबलपुर लोकसभा सीट से जीते थे और इसके बाद यहाँ पर उनको इसलिए यहाँ से जुड़ाव उनका मध्य प्रदेश रहा। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।